स्टार प्लस के फेमस शो दिल तो हैप्पी है जी की नई अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें हैप्पी की जॉब लग गई है और वो अपनी मम्मी और बहन के साथ चल पड़ी है चंडीगढ़ के लिए। मगर हैप्पी के कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दरअसल बात यह है कि रॉकी के भाई चिंटू मरते वक्त जायदाद का 50% शेयर हैप्पी के नाम कर गए थे और साथ ही अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी छोड़ गए थे। चुपचाप से हमारा शेयर साइन कर, जो कि हमारा है, 100% हमारा है। तेरे इसमें कोई हक नहीं बनता है। रॉकी लीगली हर हैप्पी का ही बनता है। चिंटू ने डिसाइड किया था कि अगर उसे कुछ भी होता है तो 50% का तो हिस्सा उसके हैप्पी के खाते में आएगा। हैप्पी को उनका ड्रीम प्रोजेक्ट याद आ जाता है। जिसके बाद वो बस स्टैंड से सीधे रॉकी के पास लॉयर के साथ पहुंच जाती है और ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करने की बात करती है। रॉकी ने सिर्फ प्रॉपर्टी के पेपर्स लौटाने नहीं है, मुझे तुमसे एक बात करनी है। आज से अभी से हम दोनों चिंटू जी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करेंगे। मैं 50% पार्टनर हूँ ना, चिंटू जी साइन करके गए थे ना, तो अब से हम दोनों इस प्रोजेक्ट में भी पार्टनर हैं। मैं वो हिस्सा वापस नहीं लौटा रही हूँ। बीजी हैप्पी की ये बातें सुनकर नाराज हो जाती हैं। आराम ही तो हराम कर रखा है इस लड़की ने, सुना नहीं क्या कह रही है। तभी रॉकी के पापा वहाँ आते हैं और उसको डांटते हैं। तेरा कौन सा 50% हिस्सा जो तुमने हाथ से मांगा है? 50% जो है वो हैप्पी के नाम से है और बाकी 50% मेरे नाम पे है। साथ ही हैप्पी से बात करने के लिए उसको अपने साथ ले जाते हैं। अब कहानी में क्या नया मोड़ आने वाला है, जानने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें स्टूडियो शो बॉक्स। तो रॉकी, जब आपको लगा कि हैप्पी शायद फाइनली आपकी ज़िंदगी से जा रही है, आप सबकी कुछ जॉब शायद उन्हें मिल गई अमृतसर पर, लेकिन दस्तक उसी टाइम आपके दरवाजे पर पड़ी और सामने देखा तो हैप्पी सामने मैंने देखा हैप्पी है, तो मुझे लगा एक आखिरी सलाम देने एक आखिरी सलाम देने आई है हैप्पी, तो बट वो सलाम ने शॉक दे दिया उसने। अकेले नहीं आई, किसी के साथ आई थी। हाँ, ये एक तो बब्बी का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, बड़े प्यार से उसको समझाया मैंने कि भाई भाई का सपना पूरा करना है मैंने, और वो समझ भी जाता है। फिर घुमा फिरा के पता नहीं उसने वो हैप्पी ने क्या गोली उसको खिलाई हुई है, 2 मिनट में चेंज होकर हैप्पी के साथ खड़ा हो गया वो। बस वही है कि अभी हैप्पी को लग रहा है कि अभी के वो 50% का हिस्सा है, तो शी इज़ ट्राइंग टू से कि वो हेल्प करना चाहती है। और अभी रॉकी बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ही टफ सिचुएशन में है इस टाइम पे। अभी पता नहीं है ना कि उसका मोटिव क्या है, मोटिव पता लग जाएगा तो फिर बात अलग है, तो अभी उसका मोटिव नहीं पता। तो अभी के लिए यही है कि अरे मेरे भाई का सपना है और तू होती कौन है हेल्प करने वाली? मेरे भाई का मैं बचपन से जानता हूँ, एक दिन की तेरी शादी है, एक दिन में डोंट टेल मी कि इतना प्यार हो गया कि तू अभी उसकी पूरी फैमिली को संभालेगी, मतलब क्या तू भगवान है क्या? तो वही रॉकी के थॉट है। गुस्से में रॉकी है, उतने ही उनके घरवाले भी है शायद। बीजी ने तो उनको लालची भी कह दिया, लेकिन हैप्पी है कि वो फुल अड़ी भी है और थोड़ी दुखी भी नजर आ रही है, लेकिन पैदरा उन्होंने वही फेंका लीगली कि आप दोनों एक दूसरे की रजामंदी के बगैर कुछ डिसीजन कर नहीं। हाँ यार, वो बिल्कुल एकदम, मुझे लगता है हैप्पी प्यार करती है रॉकी से, अकेला छोड़ना ही नहीं चाहती वो। उसने देखा रॉकी को कि यार इतनी हार्डवर्क कर रहा है, चंडीगढ़ जाके इतना अच्छा लड़का हाथ से ना निकल। ये सब मेरी स्टोरी है, अंश की स्टोरी, ऐसे रॉकी से और दिल तो हैप्पी है जिसे कोई ताल्लुक नहीं। एक्चुअली वो ये बट वो कि अभी वो सब कुछ अपना सेक्रीफाइस करके वो एकदम भिड़ गई है वो। चिंटू ने एक्चुअली हेल्प की, स्माइली की स्कूल में एडमिशन करवाया, उनको घर दिलाया, चिंटू ने सपोर्ट किया, उसकी माँ के कहने पर शादी भी कर ली, इवेंचुअली चिंटू भी चाहता था, उसके बाद चिंटू मर गया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा। लेकिन क्लॉज जो लगी है अब आप दोनों के दरमियान की, एक दूसरे के बगैर आप कुछ डिसीजन ले नहीं सकते, तो क्या है वो? वही है, अब देखो भाई का सपना पूरा करना है, और दूसरी मेरे साथ ये है प्रॉब्लम रॉकी के साथ कि रॉकी अभी कोशिश कर रहा है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज अ गुड पर्सन, ही इज़ ट्राइंग टू चेंज, ही इज़ ट्राइंग टू डू गुड थिंग्स, वो सब अच्छा करना चाहता है अपनी फैमिली के लिए। लेकिन एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना कि जो रॉकी का जो फादर है वो समझते हैं कि उसे भरोसा नहीं करते, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अब अगर आप लेटली देखेंगे तो रॉकी वो कर रहा है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। समटाइम्स आई रियली फील पिटी फॉर रॉकी। इस बार वो
अपने चिंटू भाई के सपने के लिए वो कुछ भी करेगा। और हैप्पी से आई डोंट नो, हैप्पी के साथ तो अभी वो कह सकते हैं छोटी सी चेतावनी है उनके लिए कि अब मतलब हैप्पी को बच के ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी रॉकी थोड़ा चेंज हो गया है। जस्ट वो उसने देखा भी है कि हैप्पी ने उसकी मदद की थी लेटली, बट अभी सडनली ये आ गई है तो थोड़ा कन्फ्यूज हो गया फिर से। क्योंकि क्या होता है ना, अभी बहुत वल्नरेबल स्टेज में है वो। वल्नरेबल स्टेज में जब हम होते हैं ना, तो हम लोग कुछ ऐसे थॉट्स समझ नहीं पाते क्या सही है क्या गलत है। दैट्स सेम थिंग इज गोइंग ऑन विद रॉकी। तो बट मजा आने वाला है सब चीज़ों के साथ।